तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल पोके अल्ट्रा डी। तो यार आज की इस वीडियो में मैं बना हूं एश कैचम, और आज हमारा बैटल होने वाला है अपने पुराने कालोस रीजन के राइवल एलान के साथ। तो यहां पर मैं आ चुका हूं पोकेमोन शोडाउन वेबसाइट पे, एंड हां मैं इस बार एश की पुराने वाली गलती नहीं करने वाला हूं। मैंने एश के सारे एस पोकेमोन ले लिए हैं, और यहां पर तुम मेरी टीम देख सकते हो। मेरे पास एश का स्ट्रांगेस्ट पोकेमोन उसका पिकाचू, उसके बाद एश का काफी स्ट्रांग पोकेमोन उसका चार्जार्ड, एंड देन यहां पर हमारे पास है हुएन रीजन का राजा सेप्टाइल, उसके बाद है इन्फरनेप मेगा लुकारियो, एंड लास्ट में एश का बॉन्ड इवॉल्व्ड ग्रेनिंजा। तो यहाँ पर इस बैटल में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो जल्दी से अब अपनी इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। तो अब दोनों ट्रेनर्स और उनकी पोकेमोन बैटल फील्ड पर आ चुके हैं। अलान सबसे पहले लड़ने के लिए भेजता अपने टायरेनेटार को, और उसके बाद मैं ऐश के लुकारियो को लड़ने के लिए भेजता हूँ। दोनों ही पोकेमोन बैटल फील्ड पर आ जाते हैं, और टायरेनेटार की एबिलिटी से सैंडस्टॉर्म एक्टिवेट हो जाता है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर ऐश के लुकारियो को क्रॉस चॉप यूज करने के लिए बोलता हूँ, और क्रॉस चॉप यूज करने के बाद लिटरली टायरेनेटार की सिर्फ 1 HP बचती है। एंड अब यहाँ पर टायरेनेटार स्टेल्थ रॉक का यूज कर देता है, जो मेरे पोकेमोन को डैमेज करता रहेगा। फिर मैं यूज करता हूँ ऑरा स्फीयर, जिससे टायरेनेटार का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। उसके बाद अलान निकालता है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन चार्जार्ड को। फिर मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि अब ऐश के लुकारियो को मेगा इवॉल्व करने का सबसे सही मौका है। मैं लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर देता हूँ, और फिर अलान का चार्जार्ड लुकारियो पर फायर ब्लास्ट का यूज करता है, जिसे लुकारियो काफी अच्छी तरह डॉज कर देता है। उसके बाद लुकारियो यूज करता है ऑरा स्फीयर, जिससे अलान के चार्जार्ड को ठीक ठाक डैमेज भी पड़ जाता है। बट यहाँ पर चार्जार्ड अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक फायर ब्लास्ट यूज करके मेरे लुकारियो को हरा देता है। देन यहाँ पर मैं निकालता हूँ ऐश स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन उसके पिकाचू को, एंड अलान निकाल लेता अपने मेटाग्रॉस को। फिर मैं यूज करता हूँ नेस्टी ब्लॉट, जिससे पिकाचू के स्पेशल अटैक डबल हो जाते हैं। उसके बाद अलान अपने मेटाग्रॉस को टेरेस्टलाइज कर लेता है, और मैं उस पर थंडरबोल्ट का यूज करता हूँ। थंडरबोल्ट से यहाँ पर मेटाग्रॉस की एचपी काफी ज्यादा कम हो जाती है, पर इस दोगले ने अपने मेटाग्रॉस को एगव बैरी दी थी, जिससे उसकी एचपी फिर से बढ़ जाती है। क्यों हिला डाला ना। फिर यहाँ पर ये पिकाचू पर फ्लैश कैनन का यूज करता है, जिससे पिकाचू की हाफ एचपी खत्म हो जाती है। उसके बाद पिकाचू थंडरबोल्ट का यूज करके मेटाग्रॉस को हरा देता है। भाई ऐसे ही थोड़ी हारने देता, अपने पिकाचू का सेकंड नाम ही मेटाग्रॉस क्रशर है। फिर अलान लड़ने के लिए भेजता अपने चेस्टनॉट को। मैं पिकाचू को चेस्टनॉट पर थंडरबोल्ट अटैक यूज करने के लिए कहता हूँ। थंडरबोल्ट अटैक से चेस्टनॉट को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, बट यहाँ पर वो अर्थक्वेक अटैक यूज कर देता है, जिससे अपना पिकाचू फेंट हो जाता है। फिर मैं लड़ने के लिए भेजता हूँ ऐश के चार्जार्ड को, पर मैदान में आती ही चार्जार्ड की आधी एचपी तो स्टेल्थ रॉक की वजह से ही खत्म हो जाती है। लेकिन अपना चार्जार्ड हार नहीं मानता, और यहाँ पर मैं चार्जार्ड को ड्रैगन टाइप में टेरेस्टलाइज कर लेता हूँ। और फिर मैं यहाँ पर एयर स्लैश का यूज करता हूँ, जिससे अलान का चेस्टनॉट एक ही अटैक में फेंट हो जाता है। जलवा है हमारा। देन उसके बाद अलान यहाँ पर निकालता है अपने वी वाइल को, और फिर उसके बाद मैं वी वाइल पर यूज करता हूँ ब्लेस की अटैक, पर इसके वी वाइल की स्पीड मेरे 4000 से ज्यादा थी, और ये अपना आइस टाइप जेड मूव सब जीरो स्लैमर यूज करके 4000 को हरा देता है। अब यहाँ पर मुझे ये बैटल किसी भी हालत में हारना नहीं है, तो इसलिए मैं लड़ने के लिए बुला लेता हूँ ऐश के सबसे गुस्से वाले पोकेमोन इन्फरनेप को। फिर मैं यूज करता हूँ काम माइंड अटैक, और वीवाइल इन्फरनेप पर वाटर पल्स का यूज कर देता है, जिससे उसकी एचपी तो जाती ही है, और साथ ही साथ अपना इन्फरनेप कंफ्यूज भी हो जाता है। पर तुम सभी लोगों को पता ही होगा कि जब भी इन्फरनेप का दिमाग सटकता है, तब वो किस लेवल पर आ जाता है। फिर वीवाइल वापस से वाटर पल्स का यूज करता है, जिससे अपने इन्फरनेप की एचपी काफी ज्यादा कम हो जाती है। पर इन्फरनेप की ब्लेज का फायदा उठाते हुए मैं यहाँ पर वीवाइल पर फ्लेयर ब्लिट्स अटैक का यूज कर देता हूँ, जिससे वो सीधा 100-0 एचपी पर आ जाता है और हार जाता है। लेकिन अपने इन्फरनेप की हेल्थ काफी ज्यादा कम थी, इसलिए वो भी वहीं पर फेंट हो जाता है। फिर अलान लड़ने के लिए भेजता अपने बिशार्प को, और मेरे पास यहाँ पर बचे थे 2 पोकेमोन, तो मैं चूज करता हूँ अपने सेप्टाइल को। और बैटल फील्ड पर आते ही सेप्टाइल की थोड़ी सी एचपी स्टेल्थ रॉक की वजह से कम हो जाती है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर यूज कर देता हूँ ग्रासी टेरेन, जिससे सेप्टाइल का डिफेंस 1.5 टाइम्स बढ़ जाता है। और अलान का बिशार्प यूज करता है एयर स्लैश, जो कि सेप्टाइल पर सुपर इफेक्टिव भी था। उसके बाद मैं यूज करता हूँ सेप्टाइल का लीफ स्टॉर्म अटैक, जिससे उसकी ऑलमोस्ट आधी एचपी खत्म हो जाती है। और फिर अलान अपने बिशार्प को डार्क पल्स अटैक यूज करने के लिए कहता है, जिससे हमारी एचपी काफी ज्यादा कम हो जाती है। देन यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि कुछ अलग अटैक करना चाहिए। फिर मैं यूज कर देता हूँ अर्थक्वेक, जो कि उस पर सुपर इफेक्टिव भी था, पर फिर भी उसका पोकेमोन नहीं हारता, और वो फिर से डार्क पल्स अटैक यूज कर देता है, जिससे हमारा सेप्टाइल फेंट हो जाता है। और अब हमारे पास बचता है सिर्फ एक पोकेमोन, जो कि था ऐश का ग्रेनिंजा, तो मैं उसे लड़ने के लिए बुला लेता हूँ। और अब यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रेटजी है, हम पहले कोई भी अटैक करके जल्दी से इसके बिशार्प को हरा देते हैं, जिससे ग्रेनिंजा की बॉन्ड एबिलिटी एक्टिवेट हो जाएगी, और वो बन जाएगा बॉन्ड इवॉल्व्ड ग्रेनिंजा। तो इसलिए अब मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वाटर पल्स अटैक, जिससे मेरे को लग रहा है अलान का बिशार्प हार जाएगा, एंड या ये हार गया। और अब हमें देखने को मिलने वाला अपने ऐश का बॉन्ड इवॉल्व्ड ग्रेनिंजा। भाई ये बॉन्ड इवॉल्व क्यों नहीं हुआ यार। चलो कोई बात नहीं, देन अलान निकाल लेता अपने चार्जार्ड को, और फिर वो अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व भी कर लेता है। मेरा ग्रेनिंजा तो बॉन्ड इवॉल्व हुआ नहीं। और फिर मैं यूज कर देता हूँ डार्क पल्स, एंड अलान के चार्जार्ड की एचपी पहले ही आधी थी, इसलिए वो वहीं पर फेंट हो जाता है। सो या गाइस, इसी के साथ हमने ऐश की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम के साथ हरा दिया है कालोस लीग के चैंपियन अलान को। होप कि तुम्हें आज की बैटल वीडियो पसंद आई, और अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर देना। लाइक एम रखते हैं 350 लाइक्स का। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।